हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी बीसीए फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। सो जी हाँ, इग्नू इज एन ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने इग्नू के बारे में सुना है सो इट्स रियली नाइस, अगर नहीं भी सुना है सो ये हमारी यूनिवर्सिटी है जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? सो ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि इसमें आपके पास रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, सारी की सारी क्लासेस डिस्टेंट लर्निंग पे हैं। मतलब आपका कैंपस नहीं है, आपको सब कुछ ऑनलाइन पढ़ना है, या आपके पास कुछ काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जाकर आपको कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, बट रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। सो इट इज़ बेसिकली डिस्टेंट लर्निंग से जो होता है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, सो इट इज़ वेरी वेरी रिनॉन्ड और काफ़ी जगह पर इसको प्रॉपर वैल्यू दी जाती है। इवन आई हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 ईयर्स, और वहाँ पर भी जब आप एज एन IT स्पेशलिस्ट या फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अप्लाई करते हो तो दे कंसिडर इग्नू एज वन ऑफ द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं विच आर कंसिडर्ड एज रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज़ वैन यू हैव टू शो कि आपने कंप्यूटर्स में कुछ पढ़ाई की हुई है अपनी कंट्री के अंदर। सो इट इज़ काउंटर्ड, लाइक अगर आपको बाहर जाकर MS करना है, MCA करना है, और अभी आप फिलहाल BCA पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, या कोई फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, सो कोई भी रीज़न हो सकता है ड्यू टू फाइनेंस, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू सम अदर रीज़न्स, या आपको 12th के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई है इंडिया में और आप चाहते हो कि भाई वो जॉब जो मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूँ और फिर 3 साल पैसे जमा करके बाहर पढ़ने चला जाऊँ या आगे कुछ और पढ़ लूँ, तो भी आप इग्नू यूनिवर्सिटी से BCA कर सकते हैं, ठीक है। सो देन ऑल्सो यू कैन डू इट फ्रॉम दी इग्नू यूनिवर्सिटी। अब इग्नू यूनिवर्सिटी से जब आप BCA करते हैं तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, कैसे होती है, क्या फ़ी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड, ओके। सो सबसे पहली चीज़, BCA ऑब्वियसली इट्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि BCA की फुल फॉर्म क्या है तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहोगे, है ना। सो यू हैव कम टू दिस वीडियो बिकॉज यू नो वॉट BCA इज एंड यू सम हाउ हैव दैट इंटेंशन टू डू BCA, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं BCA करना है, इसलिए आप ये वीडियो देखने आए हो, एंड इग्नू इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस टू डू BCA। अब ये जो बुकलेट है ये आपको नेट से भी मिल जाएगी, ये मैं आपको बता दूंगी डाउनलोड कहाँ से करनी है, अपनी ऐप का लिंक भी दे दूंगी जहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस वॉज रिलीज इन January 2023, मतलब ये बिल्कुल अपडेटेड रिवाइज सिलेबस एंड रिवाइज इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। सो नाउ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका मेन ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, मैदानगढ़ी में। सो दे हैव देयर मेन ऑफिस, एंड igno.ac.in आपकी वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट BCA, सबसे अच्छी चीज़ BCA की इसमें जो है, अगर आप देखोगे विच आई शो यू राइट नाउ, सो BCA एज यू नो इज़ अ 3 ईयर डिग्री। अगर आपको नहीं भी पता है तो 3 साल की डिग्री है, 6 सेमेस्टर होते हैं हमारे पास, 1 साल में 2 सेमेस्टर, मिनिमम टाइम आपको 3 ईयर्स लगेगा पूरा करने के लिए और मैक्सिमम आपको 5 साल दिया जाता है, जी हाँ। सो ये एक फ़ायदा है इग्नू से करने का कि अगर आप 3 साल में सम हाउ अपने पूरे एग्जाम्स नहीं भी दे पाते हो तो आपको मैक्सिमम 5 साल तक का टाइम दिया जाता है कि आपके जो भी एग्ज़ाम रहते हैं वो आप दे के अपनी डिग्री क्लियर कर सको, ठीक है। सो 5 ईयर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। 12+2 के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, चाहे आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो, साइंस से हो, साइंस में भी चाहे आपके पास बायो रहा हो या मैथ्स रहा हो, यू कैन गो फॉर BCA फ्रॉम इग्नू। BCA इग्नू से करने के बाद आप अगर इग्नू से ही MCA करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, या आप आगे जॉब्स भी कर सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम 6 ईयर्स एंड नॉट इवन 5 ईयर्स, सो मैक्सिमम 6 ईयर्स का टाइम आपको मिलता है, नॉट 5 ईयर्स। सो 6 ईयर्स मैक्सिमम टाइम आप ले सकते हो, डबल द टाइम। वैसे तो कभी मिलना नहीं चाहिए, और अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो 3 साल में ही बड़े अच्छे से पूरी हो जाएगी, बट हाँ कभी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कभी कुछ और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कभी लग जाए टाइम तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फ़ी है। इट्स जस्ट 7,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। कैन यू इमेजिन 7,000 रुपीज़ पूरे सेमेस्टर के, 42,000 फॉर द फुल प्रोग्राम। सो दैट इज़ द फ़ी विच इग्नू चार्जेस यू, राइट। ये फीस में चेंजेस हो सकते हैं, जब भी चेंजेस होंगे आपके साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे कभी बहुत बड़े चेंजेस होते नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज हो तो हो, अदरवाइज कितने सालों से ये सेम ही अमाउंट चलता आ रहा है, राइट। सो ये आपके पास इसकी प्रोग्राम की फ़ी रहेगी। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, मतलब जो आपकी बुक्स होंगी वो इंग्लिश में होंगे, आपके पेपर जो होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे, तो हिंदी मीडियम में
पढ़ने का या हिंदी मीडियम में पेपर देने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। सो आपको कोर्स मटेरियल भी इंग्लिश में मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस भी आपकी इंग्लिश में होंगे। क्रेडिट सिस्टम होता है, आपको हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स मिलेंगे और वो क्रेडिट्स के लिए आपको 30 आवर्स ऑफ स्टूडेंट स्टडी टाइम देना पड़ता है। 3 क्रेडिट के ऊपर ये बेस्ड है, तो आपको 90 मिनट का स्टडी टाइम दिखाना है। वो स्टडी टाइम होता है विद द हेल्प ऑफ योर असाइनमेंट्स एंड योर काउंसलिंग सेशंस। तो आपके पास कोई ना कोई स्टडी सेंटर पड़ता होगा जहाँ पर आपके काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, एंड देन यू हैव टू गो एंड अटेंड दोज काउंसलिंग सेशंस। और उसमें 70% अटेंडेंस जो है वो मिनिमम है। अगर 70% अटेंडेंस नहीं होगी आपके प्रैक्टिकल सेशंस में तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। नॉर्मली संडे के संडे क्लास होती है, वो भी कुछ वीक्स ही होती है। सो दे टेक क्लासेस ऑन संडे, तो वो संडे को आपको अपना टाइम निकाल के जाना होगा और वहाँ पर जाकर उनकी क्लास करनी होगी। ठीक है, सो BCA प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आपके पास जो सेमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन रहता है, जनवरी टू जून एक सेमेस्टर होता है एंड जुलाई टू दिसंबर एक सेमेस्टर रहता है। आपके जो टर्म एग्जाम्स होते हैं, मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो एक बार जून में कंडक्ट होते हैं और एक बार दिसंबर में कंडक्ट होते हैं। सो वी गेट इट इन जून, वी गेट इट इन दिसंबर, एडमिशन आप कभी भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये आपके एग्जाम्स का टाइम रहता है। बाकी आप इनकी साइट पर जाके चेक कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू गेट एडमिशन इन दिस। एंड देन कम्स द सिलेबस, पढ़ेंगे क्या इसके अंदर हम, है ना। अब इसमें देखो, जब आप अपना एड्रेस वगैरह देते हो, जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो स्टडी मटेरियल इग्नू प्रोवाइड करती है। तो जो भी इसकी बुक्स हैं, आपको इवन बाहर से लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इग्नू प्रोवाइड्स द प्रिंटेड बुकलेट्स, वो आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दी जाती हैं। सो दैट विल रीच योर होम, एंड इफ़ यू आर नॉट डिपेंडेंट कि भाई मेरे को भी वेट ही नहीं करना कब आएंगी, तो आप अपनी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो वो मैं अभी बताऊँगी, और उसके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपको सेमेस्टर वाइज क्रेडिट्स दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, एंड सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। लाइक पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, देन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर, बेसिक मैथ्स, कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर लैब। अब इसमें से जो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो सब आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे, राइट। जैसे कि अभी हम कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर लैब सेमेस्टर वन के लिए करेंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो लाइव सेशंस में, बट आई विल नॉट बी टेकिंग दी अदर सब्जेक्ट्स एज प्रॉपर सब्जेक्ट्स ऑन द चैनल, बट कंप्यूटर से रिलेटेड सब आपको यहाँ पे मिलेगा। सेमेस्टर टू में आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर सी प्रोग्रामिंग आएगी, अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें आपके पास इंग्लिश बेसिकली आ जाएगा, देन सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैब है एंड असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैब है। सेकेंड सेमेस्टर में से मैं आपको जो सब्जेक्ट्स कराऊंगी वो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देन सी प्रोग्रामिंग की लैब एंड असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैब। सो दीज फोर आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ। सेम वे सेमेस्टर थ्री में आपके पास है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये भी मैं आपको करा दूंगी, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग इन C++। सो सेमेस्टर थ्री तो आपका पूरा का पूरा चैनल पे हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। फिर हम जब आते हैं सेमेस्टर फोर पे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मैक्सिमम ऑफ दिस आई विल बी कवरिंग हियर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज इन जावा प्रोग्रामिंग विल बी डन ऑन द चैनल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स विल बी डन ऑन द चैनल, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिजाइन विल बी डन ऑन द चैनल, इंटरनेट कंसेप्ट्स एंड वेब डिजाइन विल बी डन ऑन द चैनल, सेम वे जावा प्रोग्रामिंग लैब एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक लैब, एल्गोरिथम डिजाइन लैब। सो अगेन सेमेस्टर फोर सारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, सारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी आपकी जो टेक्निक्स होती है ना, मीन, मीडियन और ये सारा, आगे स्टैंडर्ड डिविएशन, कटोसिस, इन सब के प्रोग्राम्स बनाने होते हैं हमें किसी एक लैंग्वेज में। ठीक है, सो वो सब आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है, इसीलिए उसकी टेक्निक्स की लैब भी है हमारी। देन वी हैव सेमेस्टर फाइव, इसमें हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें से आपको कराया जाएगा वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स, दिस आई विल बी कवरिंग ओवर हियर। देन इज ई कॉमर्स इन द लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर में ना सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं होते, सब्जेक्ट सिर्फ दो ही हैं आपके पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ई कॉमर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है। उसके अलावा आपके पास मेजर चीज़ होती है प्रोजेक्ट। सो आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसको आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। सो वो प्रोजेक्ट कहाँ से करोगे, डेफिनेटली हम कराएंगे। ठीक है, सो आई विल बी हेल्पिंग यू टू डू द प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो फटाफट से आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताओगे कि कौन कौन इग्नू से BCA कर रहा है या कौन कौन सोच रहा है
इग्नू से BCA करने की। आई वुड से कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हमेशा आप एक रेगुलर कॉलेज जाओ, ठीक है, टू बी यू नो टू बी फोकस्ड, टू बी डिसिप्लिन्ड, इट्स ऑलवेज बेटर टू अटेंड अ रेगुलर कॉलेज। बट अगर किसी भी वजह से आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर पा रहे हो लेकिन सीखने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, और उस सीखने के साथ साथ आप एक डिग्री भी चाहते हो, है ना, सीख तो हम सकते हैं, आप कहोगे कि हम सीखना ही है तो फिर यहाँ से भी क्यों करें BCA, बिकॉज कभी कभी किसी चीज़ पे ना एक स्टैम्प भी चाहिए होती है कि आपने पढ़ लिया, आपको आता है, ठीक है, बट वी नीड अ स्टैम्प टू शो एट सर्टन प्लेसेस। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और आप ये सारे सब्जेक्ट्स वैसे भी पढ़ना चाहते हो तो भाई थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ लो, एग्ज़ाम्स दे दो, आपके पास कहने के लिए एक डिग्री हो जाएगी। और फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, एज अ प्लस टू पास आउट आपको बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी जॉब्स भी मिल जाती हैं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो जिससे आप इसकी फ़ीस तो आराम से खुद ही कमा के भी निकाल सकते हो, पेरेंट्स को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आई विल बी गाइडिंग यू ऑल्सो कि किस तरह से बीइंग अ स्टूडेंट आप अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियोज अभी डालूंगी आगे, बट दिस इज वॉट योर सिलेबस इज गोइंग टू बी, दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी एज पार्ट ऑफ BCA। इसके अलावा मेरे चैनल पे तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे ही मिलेंगे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद एवरीवन जो भी इग्नू से BCA कर रहा है, तो आपके जो भी ग्रुप्स हैं आप सबके साथ शेयर करो कि यहाँ पर मैम इग्नू की BCA की प्रिपरेशन कराएंगी, राइट। और उसके अलावा इग्नू भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। सो इग्नू आपको क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, इग्नू आपको देती है ये ई ज्ञान कोश। सो ई ज्ञान कोश डॉट ac.in आप ओपन करेंगे, इसी PDF में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के PDFs मिल जाएंगे, जैसे आप ये देख रहे हो ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सो ये आपका किसके अंदर आ रहा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। सो जब मैं यहाँ जाती हूँ, ये आपका एड्रेस है, दिस हैंडल इज गिवन इन द PDF। सो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं और ये हमारे सारे के सारे सेमेस्टर्स हैं। ये सारे के सारे सेमेस्टर्स की आपको प्रॉपर बुक्स दी गई हैं, जैसे मैं सेमेस्टर 2 पे जाती हूँ तो ये सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब आ गया, आई गो हेयर एंड हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये PDF मिल गई, सो इस PDF को मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। सो यू गेट द PDF फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको थ्योरी की जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, वो सब इग्नू की साइट से ही मिल जाएगा, जिसका नाम है ई ज्ञान कोश, राइट। इनका एक YouTube चैनल भी है इग्नू करके, तो वहाँ पे भी कुछ लेक्चर्स होते हैं इफ़ यू फाइंड समथिंग यूजफुल। मुझे कुछ अलग से प्लेलिस्ट वगैरह दिखाई नहीं दी स्पेसिफिक कोर्सेज के हिसाब से, बट दे हैव सम अदर काइंड ऑफ वीडियोज, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर हैं तो आपको कंप्यूटर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सब चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा इग्नू के कोर्सेज आपके दूरदर्शन पे भी चैनल्स आते हैं जिसपे लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड लेक्चर्स ऑन टाटा स्काई एंड ऑल। तो वो सारे चैनल्स के नाम जो हैं इस PDF में लिस्टेड है। PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट इग्नू की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपकी इग्नू की साइट से ignu.ac.in यहाँ से ये डाउनलोड हो सकता है। सो या तो आप इधर से डाउनलोड कर लो या फिर आप AL Coders ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो जब आप AL Coders ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखेगा, ऐप इज़ फ्री टू डाउनलोड, ठीक है। सो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर ये इग्नू BCA प्रोग्राम गाइड January 2023 यहाँ पर है, आप यहाँ से ओपन करके इधर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल में आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे जिसमें आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नोट्स और PDFs मिल जाएंगे, जैसे C++ के नोट्स एंड MCQs, कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स, राइट, वेब डेवलपमेंट के, सी प्रोग्रामिंग के। तो ये अभी ऐप न्यू है, इट्स जस्ट बीन 2-3 मंथ्स आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ऐप, तो इसके अंदर कंटेंट धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और आपको यहाँ पर सारे नोट्स PDF भी मिलते रहेंगे। अगर आप इसमें से किसी कोर्स के लिए भी लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो हम आगे चल के देखेंगे, वी कैन प्लान टू हैव इट लेटर, बट अभी के लिए एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द YouTube चैनल एंड ऑल द नोट्स इन द PDF फॉर्मेट्स, ताकि आप एक ही जगह से स्ट्रक्चर तरीके से PDFs डाउनलोड कर सको, तो वो AL Coders ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रिगार्डिंग BCA फ्रॉम इग्नू, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। आपको इसकी असाइनमेंट्स में भी हेल्प की जाएगी क्योंकि हमें असाइनमेंट भी सबमिट करनी होती है, उसके बेसिस पे मार्क्स लगते हैं, एग्जाम्स होते हैं।
So anything you want to know, let me know, write in the comments below. And video अच्छी लगी हो, useful लगी हो, तो like button पे click ज़रूर करना. Share it with everyone who is interested in doing BCA. And that is it for this video. I'll see you soon in the next one.